SLE, इसके अंदर 11 इम्पोर्टेंट सिम्टम होते हैं। इसके अलावा चार मेन ग्रुप के अंदर ये 11 सिम्टम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है हमारा स्किन का। पहला सिम्टम है मेलर रैश, जिसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है ये बटरफ्लाई की तरह। फिर एक और रैश होता है इसके अंदर, डिस्कोइड रैश होता है। फिर फोटो सेंसिटिविटी, रैशेज अपीयर टू सन एक्सपोज्ड एरिया। ठीक है, तो ये था पहला ग्रुप स्किन वाला, जिसके अंदर बटरफ्लाई रैश आता है, डिस्कोइड रैश आता है और फोटो सेंसिटिविटी आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की। तो अल्सर्स इन माउथ एंड नोज़, पहली बात तो ये। सीरोसाइटिस, सीरोसाइटिस के अंदर क्या क्या आता है? प्लूराइटिस, विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड लंग्स। पेरिटोनाइटिस, जो कि लाइनिंग होती है एब्डोमेन, उसका इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डाइटिस, जो कि लाइनिंग होती है हार्ट की, उसका इन्फ्लेमेशन। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पेरिकार्डाइटिस है, ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पेरिकार्डाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन कार्डियक मैनिफेस्टेशन सीन इन पेशेंट्स विद SLE। अगर कोई कार्डियक मैनिफेस्टेशन हो रही है SLE के अंदर, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? वो पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का SLE के अंदर, वो भी क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। तो ये था दूसरा ग्रुप मेम्ब्रेन्स वाला, जिसके अंदर हमने बात की अल्सर्स इन माउथ एंड नोज़ और सीरोसाइटिस की बात की। अब हम बात करते हैं तीसरा ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर, जो भी है। इसके अंदर आता है आर्थराइटिस आता है इसके अंदर। इसके अंदर आता है किडनी डैमेज, जिसे लूपस नेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं किसमें? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। माइक्रोस्कोपी में ये ऐसा देखने को मिलता है, वायर लूप स्ट्रक्चर्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर लूपस नेफ्राइटिस, दैट ऑन माइक्रोस्कोपी इट शोज़ वायरस सॉरी वायर वायर का लूप स्ट्रक्चर। न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है? डिप्रेशन हो जाता है, साइकोसिस, सीजर एंड हेडेक। तो ये था तीसरा ग्रुप, जिसके अंदर आर्थराइटिस है, लूपस नेफ्राइटिस है और ये न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस हैं। फिर आता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है ब्लड कंपोनेंट के अगेंस्ट। तो एनीमिया देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, ल्यूकोपिनिया देखने को मिलती है। इसके अलावा और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा तीन अदर ऑटो एंटीबॉडीज़ भी देखने को मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहली एंटी स्मिथ, दूसरा एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA और तीसरी होती है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। अब एंटी फॉस्फोलिपिड के अंदर भी तीन आती है, एक हुई एंटी कार्डियोलिपिन हो गई, एक हो गई लूपस एंटी कोगुलेंट हो गया, और एक होती है एंटी बीटा टू, एंटी बीटा टू एंटी बीटा टू एंटी बीटा टू एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन वन, एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन वन। तो ये क्या होती है? एंटी फॉस्फोलिपिड होती है। इसके अलावा और भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, जो कि 11 की फाइंडिंग के अंदर नहीं इंक्लूड होती है, जैसे कि एंटी SSO हो गई और एंटी रो हो गई। अब देखो, प्रेग्नेंट इंडिविजुअल विद लूपस एंड पॉजिटिव फॉर NTSSA। अब ये NTSSO होता है या NTSSA होता है, आई डोंट नो। तो उसमें क्या होता है? नियोनेटल लूपस इरिदमेटोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। SLE ये हो गए नियोनेटल लूपस इरिदमेटोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलती है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़। और कहाँ मिलती है ये?
अब बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड SLE की। इसकी क्या खासियत होती है? पहली बात तो ये पॉजिटिव होता है, इसके अंदर एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़। इसके अलावा ANA भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी के लिए। इट डेवलप्स एज अ रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशंस मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन इन द लिवर। तो वो कौन कौन सी मेडिकेशन है? उनके लिए निमोनिक शिप, S से सल्फोनामाइड हो गया, H से हाइड्रलेजीन हो गया, I से आइसोनियाज़िड हो गया, P से प्रोकेनामाइड हो गया, और दूसरे P से हो गया फेनिटोइन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा शिप। तो इनसे इनके कारण क्या होता है? ड्रग इंड्यूस्ड SLE होता है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड SLE की खासियत होती है कि इसके अंदर कोई किडनी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, कोई CNS मैनिफेस्टेशन देखने को नहीं मिलता, और कोई ओरल म्यूकस के अंदर अल्सर देखने को नहीं मिलते हैं। एक होता है लूपस। ये क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस लूपस इक्वल टू लूपस। ये देखो डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस, इसका ये डायग्राम देख लो कुछ ऐसा है। डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटस इज अ बेनाइन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग द फेस एंड द स्कैल्प।